हरे कृष्णा, वेलकम टू द भगवद गीता सेशंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 3, और अध्याय का शीर्षक है कर्म योग। तो आगे बढ़ते हैं आज अध्याय 3 में चर्चा करने के लिए। सो हियर गोज द फर्स्ट वर्स। सो अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अब यहां कंफ्यूजन आ रही है। कंफ्यूजन क्यों आ रही है? यानी कि अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ध्यान से सुनता है तो उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं। श्री प्रभुपाद बोला करते थे, आस्किंग क्वेश्चंस इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। कि बुद्धिमत्ता का लक्षण होता है सवाल पूछना। तो सवाल पूछना है, भगवान ये मैं समझ नहीं पा रहा, आप क्या चाहते हैं? आप मुझको युद्ध में लगाना चाहते हैं, पर आपने मुझको बताया ये भगवद्गीता में कि हमें बुद्धियों का इस्तेमाल करना है, यानी मुझे नॉलेज गेन करनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि आप युद्ध में लड़ो। पर या तो मैं कर्म करूंगा, या मैं ज्ञान लूंगा, या मैं ज्ञान लूंगा, या मैं कर्म करूंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए भगवान? What should I do? So, अर्जुन की कंफ्यूजन है, either there can be knowledge और there can be action। एक तरह मुझे कह रहे हैं युद्ध करो जी, युद्ध करो, तो ये तो एक्शन वाला काम है। लेकिन आप भी कह रहे हो भाई, यू नो, यू शुड एक्ट इन बुद्धि योग। तो मैं बुद्धि योग में कार्य करूं या कार्य करूं, मैं क्या करूं भगवान? व्हाट शुड आई डू? तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेके चल रहे हैं, यानी कि या तो ये या वो। भगवान, मैं ना बहुत कंफ्यूज हो गया हूं। तो बेसिकली अब भगवान उनकी कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं कि क्या नॉलेज और एक्शन साथ चल सकते हैं या नहीं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, देखते हैं भगवान इसमें क्या जवाब देते हैं। तो आपके व्याम मिश्रित अनेकार्थक उपदेशकों से मेरी बुद्धि जो है मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है, नॉलेज या एक्शन? अब मैं यहां पर हूं, क्षत्रिय हूं, मुझे लड़ना पड़ेगा क्या? मैं अगर मैं नॉलेज का मतलब मैं किताब खोलूं, मैं किताब नहीं सारे धनुष बाण रखूं, किनारे रखूं, किताब खोलूं और बुद्धि योग का मैं प्रयास करूं, तो मैं बुद्धि योग के लिए प्रयास करूं या मैं कर्म करूं, क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है? तो श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वालों वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान अब यहां बता रहे हैं कि दो तरह से लोग भगवान को अप्रोच करते हैं, एक नॉलेज के द्वारा और दूसरा भक्ति के द्वारा। अब नॉलेज के माध्यम से वाला क्या होता है? नॉलेज से व्यक्ति को थ्योरेटिकल क्लैरिटी आती है कि ना लाइफ में एक्चुअली करना क्या है। उसके बाद जब वो भक्ति में कार्य करता है, भक्ति मतलब ये नहीं उसके पास नॉलेज नहीं है, ना ना ना, भक्ति का मतलब है नाउ द नॉलेज हैज कम इनटू एक्शन। यस, व्हेन नॉलेज कम्स इनटू एक्शन, दैट इज नोन एज भक्ति योगा। दैट मीन्स ये कोई अलग अलग रास्ते नहीं है, इनको जोड़ देना है। जब ये जुड़ जाते हैं तो बन जाता है भक्ति योग। सो नॉलेज प्लस एक्शन, यानी एक्शन सिर्फ बिना नॉलेज वाले अगर होंगे ना तो एक्शन हमको बांध देंगे, बंध जाएंगे हम। और सिर्फ अगर नॉलेज होगी लेकिन एक्शन नहीं होगा तो वेल दैट्स अ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। सो नॉलेज जब एक्शन में आ जाती है दैट बिकम्स रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन किस में आते हैं? भक्ति योग के अंदर। एक्चुअली साक्षात्कार, यस, जो नॉलेज होती है इट्स इन द हेड, यहां पर आती है। पर यही चीज जब नॉलेज, जब एक्शन में आ जाती है इन भक्ति योगा, देन दैट इज एक्चुअली रियलाइजेशन। और वही भगवान यहां बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति नॉलेज के माध्यम से आना चाहता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, यस, पर यहां पर उसको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को एक्शन में डाल देगा तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग रियलाइजेशन बन जाएगी, एंड दैट इज एक्चुअली भक्ति योगा, एंड दिस इज देयर इन द हार्ट। यस, सो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, जो दिव्य ज्ञान है हृदय में प्रकाशित होता है, जो ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित होता है, लेकिन उससे संतोष नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं आपको संतोष मिले और आप चाहते हैं आपको पूरा आनंद आए स्पिरिचुअलिटी का, तो उसके लिए नॉलेज को एक्शन में लेकर के तो आना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ये ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भक्तिमय सेवा वाला क्या होती है? सेवा यहां होती है। तो व्यक्ति जब ज्ञान को प्राप्त करेगा, ओके, और सेवा करेगा, तो ऐसे में उसका ज्ञान बन जाएगा
साक्षात्कार। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं इसमें। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यानी कि सिर्फ नॉलेज से सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली, सिर्फ एक्शन से सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली। ओके, तो हमें दोनों कार्य करने पड़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो कर्म तो व्यक्ति को करना पड़ेगा, लेकिन जब वो नॉलेज में आके कर्म करता है तो वो सेवा कहलाती है, अदरवाइज इट इज जस्ट कर्म, इट इज जस्ट एक्शन एक्चुअली। और कैसे एक्शन करते हैं हम लोग? वी डू एक्शंस एज पर आवर साइकोफिजिकल नेचर। तो हमारा एक साइकोफिजिकल नेचर है, तो साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार हम लोग काम करते हैं। ऐसे हम देखा हो, कुछ लोग दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल इन नेचर, कुछ लोग दे आर वेरी फिजिकल इन नेचर, कुछ लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत ही वर्कोहॉलिक होते हैं, कुछ लोग लेजी इंटेलिजेंट होते हैं। सो दैट मीन्स एवरीवन इज ड्रिवन बाय देयर साइकोफिजिकल नेचर। सो साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार हमें कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार कर्म करना, यानी कि अगर कोई प्रीस्टली क्लास का व्यक्ति है तो प्रीस्टली कार्य करे, कोई अगर वॉरियर है तो वॉरियर वाला कार्य करे, ओके, अगर कोई वैश्य है, दैट मीन्स अगर कोई बिजनेस क्लास का व्यक्ति है, अगर वो बिजनेस क्लास वाला कार्य करे, और अगर कोई से लेबर क्लास का है, वो मतलब मेहनत मजदूरी वाला कार्य करे। हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है और लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही अपने प्रोफेशन को चुनते हैं। तो जो लेबर करने वाला व्यक्ति है वो इंटेलेक्चुअल कार्य नहीं कर पाता, जो इंटेलेक्चुअल वाला व्यक्ति है वो बिजनेस नहीं कर पाता, जो बिजनेस वाला व्यक्ति है वो नौकरी नहीं कर पाता, जो नौकरी वाला व्यक्ति है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाता। हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर है और नेचर के अनुसार हम अपने अपने कार्य करते हैं, दैट्स इट। तो लेकिन सिर्फ इससे काम बन जाएगा? वेल, भगवान कह रहे हैं इससे तो बात बनेगी नहीं जी, बल्कि अपने साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार वी हैव टू डू आवर वर्क, वी आर फोर्स टू एक्ट एज पर द नेचर विच वी हैव एक्वायर्ड। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर ये हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर आपने सोच लिया कि ओके भाई, हम ये कर्म वर्म के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो संन्यास लेंगे जी, अच्छा संन्यास ले लिया, लेकिन आपका साइकोफिजिकल नेचर तो अभी आपको अलाउ नहीं करता, और आपने संन्यास ले लिया, दैट मीन्स आप नॉलेज में आ गए, भाई चलो हम भाई किताब विताब खोलेंगे, हाँ अब हम पढ़ेंगे जी, तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ तो लेंगे, लेकिन उस वक्त भी किसका चिंतन रहेगा? निश्चित रूप से उस वक्त व्यक्ति अपने इंद्रिय विषयों के चिंतन में रहता है, और क्योंकि इंद्रिय विषयों को चिंतन करता है तो इसलिए वो क्या कहलाता है? मिथ्याचार उच्यते, दैट मीन्स दिस पर्सन इज नोन एज पाखंडी। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि अगर मैं सिर्फ ये करता हूं एज पर माई साइकोफिजिकल नेचर, इससे मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा, और अगर मैं अपना ये सेवा नहीं करता हूं, ये मैं एक्शन वाला कार्य अगर नहीं करता हूं, ओके, अगर मैं एक्शन नहीं करता, सिर्फ नॉलेज में आता हूं कि भाई छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, तो हरिद्वार जाकर के मैं भले ही संन्यास ले लूं और मैं वहां पर किसी गुफा में जाके बैठ जाऊं, लेकिन वहां पर चिंतन तो यही होगा, अरे घर छोड़ दिया मैंने यार, कुछ भी हो जैसी भी थी, शाम को घर आता था पकौड़े तो खिलाती थी, कुछ भी हो जी, शाम को जब मैं घर पहुंचता था तो ये तो पूछती थी, और जी दिन कैसा बीता, अरे यार मैं छोड़ छाड़ के आ तो गया हूँ, लेकिन ना काश वापस ही चले चलते हैं। सो दैट मीन्स ही इज ऑलवेज नाउ कॉन्टेम्पलेटिंग कि काश मैं वापस चला जाता, आई कुड लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो सिर्फ नॉलेज में हो व्यक्ति लेकिन एक्शन ना करे, वेल सर, देन यू वुड बी नोन एज मिथ्याचारी, तो आप एक कपटी कहलाएंगे। और ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो कि मान लो कुछ समय के लिए तंग आए, अपनी वाइफ से तंग आ गए, या वाइफ थी अपने हस्बैंड से तंग आ गई, और छोड़ छाड़ के अपने आ गए जी, चल चलो जी मंदिर चलते हैं, अब दैट्स इट। पर वहां पर वही पुरानी आदतें उनको लगी होती है, तो इसलिए वो हरकतें उनकी वही हो रही होती हैं जैसे पहले थी, तो इसलिए सिर्फ ये चोला पहन लेने से फर्क नहीं पड़ता, क्या अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? नो। तो इसीलिए नॉलेज और एक्शन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। That means there is a difference between a struggler and मिथ्याचारी। ये जो अभी हमने आपको बताया कि ऐसा व्यक्ति जो कि नॉलेज लेना चाहता है लेकिन अभी लेकिन ना कोई एक्शन नहीं करा, इवन तो उसका साइकोफिजिकल नेचर उसको पुश करता है, और इसीलिए उसका मन जो है इंद्रिय विषय में लगा हुआ है बार 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 बार, दैट इज नोन एज प्रिटेंडर और पाखंडी। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंडर है, ओके, लेकिन एक दूसरी क्लास भी है जो कि इस श्लोक में आ रही है, ही इज अ स्ट्रगलर। स्ट्रगलर जो होता है वो संघर्ष करता है, जो प्रिटेंडर होता है ना वो संघर्ष नहीं करता,
उसका मन स्वाभाविक रूप से बस लगा रहता है इंद्रियों में, भले खींच के रखता है अब गुफा में बैठा है, लेकिन मन उसका वहीं लगा हुआ है। और फिर अल्टीमेटली जब कोई मौका मिलता है तो गलत काम कर भी लेता है। ऑन दी अदर हैंड जो स्ट्रगलर होता है वो भी अपने इंद्रियों से लड़ रहा है, ओके वो लड़ता है, ये लड़ता नहीं है, जिसको जब मौका मिलता है कर लेता है, गलत काम कर लेता है, उसका कोई गिल्ट भी नहीं फील करता, कहता अब जी होना तो हो गया यार, इट्स ओके, किसी को पता नहीं चला, सो उसको बोलते हैं प्रिटेंडर। बट द वन हु इज स्ट्रगलर, यानी कि वो भी प्रयास कर रहा है यहाँ पर, ही इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद द सेंसेस, अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है, ही इज ऑल्सो ट्राइंग। तो स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है, स्ट्रगल करेंगे तभी हम ऊपर आ पाते हैं, अदरवाइज वेयर वी आर वी स्टे देयर। तो इसलिए ऊपर आने का प्रयास जरूर करना चाहिए। सो लेकिन जो प्रयास नहीं कर रहा लेकिन ऐसे मौके ढूंढ रहा है, कोई नहीं देख रहा मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूं, दैट पर्सन इज नोन एज मिथ्याचारी। ओके सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रगलर एंड अ मिथ्याचारी। तो ये आ रहा है 3.6 में एंड दिस इज 3.7, तो ये दोनों में अंतर है। आगे बढ़ते हैं, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यस, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकते, दैट मीन्स एक्शन तो मुझे करना ही पड़ेगा, आई हैव टू हैव द एक्शंस इन लाइफ, इसके बिना तो इवन शरीर का निर्वाह भी नहीं कर सकते। इवन अ स्पिरिचुअलिस्ट हैज टू एक्ट फॉर बॉडी मेंटेनेंस, भले उसको जाना पड़े भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़े, बॉडी मेंटेनेंस के लिए कार्य करना पड़ता है, सो वी हैव टू एंगेज इन एक्शन। तो भगवान बता रहे हैं कि शरीर के निर्वाह के बिना के लिए भी व्यक्ति को प्रयत्न तो करने पड़ेंगे। ओके, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो करना क्या पड़ेगा, श्री विष्णु के लिए। ओके, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल सेशन था उसमें हमने बताया किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, लेकिन वो यहां पर क्या रिकमेंड कर रहे हैं, विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। ओके, तो यहाँ नॉलेज जो है, नॉलेज तो मैं ले रहा हूं लेकिन एक्शन मुझे कैसे करने पड़ेंगे, एक्शन शुड बी देयर एज यज्ञ, दैट मीन्स इट्स एन ऑफरिंग। इस भाव से करें कि मैं वास्तव में भगवान विष्णु के लिए ये यज्ञ कर रहा हूं, यानी हम जो भी करें वो भगवान ही खुशी के लिए करें। जैसे कि भरत जी थे, भरत जी हालांकि भक्ति योग के लेवल पे, वो कर्म योग के लेवल पे नहीं है, ही इज ऑन भक्ति योग लेवल, लेकिन उन्होंने भगवान श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन में रखा कि वास्तव में अगर अयोध्या के राजा हैं तो वो तो श्री राम ही हैं, उनके बिहाफ पे ही वाज रूलिंग अयोध्या। तो उनके उनमें भाव क्या है, वास्तव में ये जो मैं संभाल रहा हूं, आई एम जस्ट डूइंग दैट ऑन द बिहाफ ऑफ श्री राम। उसी तरह से जब भी हम कार्य करते हैं ये सोचे करते हैं कि हाँ ये जो मैं कर रहा हूँ ये असल में मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, माई बॉस इज द सुप्रीम लॉर्ड, और उसके बाद जो लक्ष्मी आएगी वो वास्तव में भगवान की सेवा में लगेगी, चाहे इवन परिवार को पालना भी होता है। तो इस भाव से करें, अगर मैं परिवार को इसलिए पाल रहा हूँ ताकि मेरे परिवार वाले आगे जा करके भगवान के भक्त बने, यस, इस मोटिवेशन के साथ व्यक्ति इवन अपने घर परिवार का भी भरण पोषण करता है, अपने शरीर का भरण पोषण करता है, ये सोच करके कि इवन ये शरीर भी पता है किसके लिए है, ये तो भगवान की सेवा के लिए है। तो ये सोच करके जब वो कार्य करता है तो ऐसा व्यक्ति बंधन में नहीं पड़ता, बिकॉज ही इज डूइंग एज एन ऑफरिंग टू विष्णु। लेकिन खास बात यह है कि ना, ये भगवान श्री कृष्ण विष्णु के बोल रहे हैं, ऐसा खुद को नाम बोल दें कि भाई एज एन ऑफरिंग टू मी, मेरे को अर्पित करता हूं, ये विष्णु क्यों बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान जब कोई चीज ऐश्वर्य में बता रहे होते हैं, दैट मींस इन ऑपुलेंस, तब भगवान क्या करते हैं, विष्णु का नाम बोलते हैं। लेकिन जहां पर भक्ति की बात आती है वहां पर फिर खुद का नाम लेते हैं। ओके, यू सरेंडर अन टू मी, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी इकलौती शरण में आओ। लेकिन जहां जहां कर्मयोग की बात आ रही तो अभी जेनेरिकली चल रहे हैं, ओके, और साथ ही ऐश्वर्य पाठ में चल रहे हैं, तो इसीलिए विष्णु का नाम यहां पर उन्होंने हाईलाइट किया है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी। सुसृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों द्वारा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। सो इवन फॉर फिजिकल वेलबींग, हमारे फिजिकल वेलबींग यानी शारीरिक वेलबींग के लिए भी जरूरी है कि हम भगवान को आहुति दें, ओके, या इवन देवताओं को भी दें, देवी देवताओं को भी हम अगर ऑफरिंग्स देते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारी सारी भौतिक जो नीड्स होती हैं वो पूरी होती हैं। सो दैट वे इस तरह से वो और हम
वी कैन बी सैटिस्फाइड, योगियों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को समृद्धा प्राप्त होगी। सो देवता भी खुश, आपने उनको ऑफरिंग दी है, देवताओं से आपको सब कुछ प्राप्त होगा, सो आप भी खुश। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि ओके, अगर भक्ति छोड़ करके ये भी लिया जाए कि अगर कोई कर्म योग करता है वो भी देवताओं के लेवल पे, वन कैन हैव मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, बट द गुड थिंग इज दैट वी शुड लर्न टू गिव, हमें देना सीखना चाहिए। कभी कभी ऐसे सेक्शंस भी आते हैं शास्त्रों के अंदर वेयर द लॉर्ड इज नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन, पर हाँ देवताओं की ऑफरिंग के लिए बताया गया, पर भगवान ये बता रहे कि ना देना बहुत जरूरी है। जैसे कलयुग के अंदर लोगों के लिए देना बहुत मुश्किल है, सब कर लेंगे देंगे नहीं, हाँ तो देना बहुत जरूरी है। तो जब हम देंगे, देने से ही प्राप्ति होती है। इवन बिजनेस में लोग जानते हैं जितना हम अगर मनी को देंगे तो वास्तव में मनी आएगी भी, सो दैट इज मोर वी शुड इन्वेस्ट एंड देन वी सी दैट रिटर्न्स वुड आल्सो बी देयर, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर फिजिकल वेलबींग की बात करें, इवन देन फॉर दैट वी नीड टू हैव ऑफरिंग्स। आगे बढ़ते हैं जी। ओके, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवताओं, विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वे निश्चित रूप से चोर है। यस भाई, हमारी संपत्ति तो है नहीं, जगत हमने तो बनाया नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने हमको दिया है जगत, तो हम क्या करेंगे फिर अगर हम ऑफर नहीं करते, देन वी आर चोर, राइट, अ थीफ। जैसे कि अगर बिजली का बिल भी, अगर बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो उसका बिल आता है और बिल हमको पे करना पड़ता है, राइट। लेकिन सूरज की रोशनी है ये भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी है वो भी है, वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इसका बिल जो है किसको देंगे, भगवान को देंगे ना, बिल्कुल नहीं देंगे जी। इवन दिस बॉडी विच हैज बीन गिवन टू अस बाय गॉड, सो इसके लिए कुछ कभी थैंक यू भी नहीं बोलते बाबा। तो दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के सारे संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन भगवान को थैंक यू भी नहीं बोलते, व्हाट टू स्पीक ऑफ ऑफरिंग सम पार्ट ऑफ इट, so that is we are chor, then we are thief, तो हम लोग चोर हैं वास्तव में। तो इसीलिए हमें ऑफरिंग करनी चाहिए, otherwise we are just a thief। और इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है क्या, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। यस, अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं निश्चित रूप से सिर्फ पाप खाते हैं। यानी भगवान को हमें भोग लगा करके खाना चाहिए। Yes. और जब भगवान को भोग लगा करके पाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, प्रसाद, प्रसाद, प्र का मतलब होता है प्रभु के, सा का मतलब होता है साक्षात, और द से होता है दर्शन। सो प्रभु के साक्षात दर्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रसाद। यस, तो इसीलिए हमें भगवान को भोग लगा करके ही पाना चाहिए। एक्चुअली पिछले जो युग थे उनमें तो एक कल्चर था, नेचुरली इट वाज अ कल्चर कि जो भी हम पाएंगे उसको भगवान को अर्पित करेंगे ही करेंगे जी। तो इसीलिए जब भगवान को वो चीज अर्पित हो जाती है तो अब जो वापस आता है वो होता है प्रसाद। ओके, तो जाता है, तो जाती है एक्चुअली सेवा, आता आती है कृपा, जाता है भोग, आता है प्रसाद। ऑफ कोर्स कई लोगों को डाउट होता है, लेकिन ये प्रसाद कैसे हुआ है, वैसे हम जो अर्पित करते हैं कुछ भगवान कुछ खाते तो है नहीं, जो तीन चपाती गई थी तीन चपाती आई हैं, से दो कटोरी हमने सारे दाल भेजी थी दाल भी वैसी वापस आ गई, खीर गई थी खीर भी वैसी वापस आ गई, पापड़ गया था पापड़ भी वैसे आ गया, हमने कहा लो जी भोग लग गया जी भोग लग गया। अरे कैसे भोग लग गया जी, कुछ तो कम हो, अरे तीन चपाती गई थी दो चपाती आई तो भगवान ने एक खा ली, अगर एक कटोरी दाल गई थी आधी कटोरी वापस आ जाऊंगे भगवान ने आधी खा ली, लेकिन जो जाता है वैसा वापस आ जाता है, तो फिर ये प्रसाद कैसे हुआ, क्या मतलब ये आपने कल्पना कर ली, इमेजिन कर लिया कि हाँ भाई ये प्रसाद है प्रसाद, मान लो मान लो, यस मान लो मान लो, घंटी बजाओ हैं और मारो ताली निकालो थाली, हो गया जी प्रसाद, क्या ये वो है क्या ये, ना 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 जी, ये जाता वाकई में भगवान जाता तो वास्तव में भोग ही है, और भगवान जो उसके बाद हमें देते हैं दैट इज एक्चुअली प्रसाद, दैट इज एक्चुअली मर्सी, वर द मीनिंग ऑफ प्रसाद इज मर्सी, कृपा है ये भगवान की। अच्छा होता कैसे भले, ये कैसे प्रसाद कैसे हुआ, जैसे वो एग्जांपल है होली के दिन में ऐसा होता है कि लोग ना गुजिया देते हैं, तो मिसेस कपूर ने मिसेस कुमार को गुजिया दी, हैप्पी होली है जी, डब्बा दिया उनको, वो गई मिसेस कुमार अंदर जाकर के उन्होंने सारी गुजिया निकाली, अब खाली डब्बा तो वापस देते नहीं, उसमें कुछ डाल के देना चाहिए, तो इसीलिए उसमें उन्होंने डालकर दे दिया से कलाकंद, तो उन्होंने डब्बा बंद किया डब्बा वापस दे दिया, मिसेस कपूर आपको भी हैप्पी होली है जी,
वेरी गुड। अब ये हैप्पी होली तो हो गया, लेकिन अगर जो थर्ड व्यक्ति जो देखे, अरे अरे क्या हो गया, डब्बा गया था डब्बा वापस आ गया है, ये क्या बात हुई। लेकिन बिल्कुल डब्बा जैसा गया था वैसा तो वापस आ गया, पैकेजिंग तो सेम है लेकिन अंदर का कॉन्टेंट बदल चुका है। अंदर गया था, गई थी गुजिया, आया है कलाकंद। तो उसी प्रकार से भगवान को जो भोग लगाते, जाता है भोग आता है प्रसाद, जाती है सेवा आती है कृपा। लेकिन बाहर की पैकेजिंग सेम, तीन रोटी गई थी, तीन रोटी आई है, एक कटोरी दाल गई थी, एक कटोरी दाल आई है, जो गया था वैसा वापस आ गया। ओ वेल, लेकिन अंदर का कंटेंट चेंज हो चुका है, अब वो साधारण खाना नहीं रहा, वो तो है वास्तव में प्रसाद। एक समय हमारे यहाँ एक व्यक्ति है जो कि भक्त बने, तो कैसे बने, प्रसाद से ही भक्त बने। वो कैसे बने, असल में ना उनके ना टेस्ट बड्स काम नहीं करते थे। अब टेस्ट बड्स काम नहीं करते थे तो आए भगवान के पास, भगवान से प्रार्थना की, राधा पार्थ सारथी से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, टेस्ट बड्स ही काम नहीं कर रहे, ना मीठा मीठा लगता है, ना खट्टा खट्टा लगता है, ना नमकीन नमकीन लगता है, प्रभु ये कोई जिंदगी है हमारी, प्रभु कुछ तो कृपा करो प्रभु। तो नीचे आए, नीचे आके प्रसाद पाना शुरू किया, प्रसाद पाया, वो वहाँ मीठा मीठा लगा, नमकीन नमकीन लगा, खट्टा खट्टा लगा, अरे वाह, अरे प्रभु तो बहुत दयालु, दयालु है भैया, हमारी जीवा काम कर रही है, अरे वाह वाह वाह। तुरंत भागा डोमिनोज, डोमिनोज आके वहाँ पिज्जा पाया, जैसे ही पिज्जा पाया, ना मीठा मीठा लगा, नमकीन नमकीन लगा, ना खट्टा खट्टा लगा, गया लो जी, भगवान ने सुनी थी फिर अनसुनी कर दी है। तो फिर आया अगले दिन, फिर मंदिर आया, फिर प्रार्थना की, हे प्रभु दया दिखाई थी, दया वापस ले ली आपने, प्रभु क्या करते प्रभु, कृपा करो ना प्रभु। फिर नीचे आया, नीचे आके प्रसाद पाया, प्रसाद पाया, फिर नमकीन नमकीन लगा, खट्टा खट्टा लगा, मीठा मीठा लगा, कहता अरे वाह, प्रभु ने फिर सुन लिया हमारी है। फिर भागा उसका पिज्जा हट, भागा के वही वहाँ का पिज्जा खाएंगे हम, पिज्जा खाया उसने, पिज्जा खाया, बाकी चीज़ें ऑर्डर की, जैसे खा रहा चीज़ें, ना नमकीन नमकीन लगी, ना खट्टा खट्टा लगा, ना मीठा मीठा लगा, कहता लो ये प्रभु करते क्या है यार, सुनते हैं फिर अनसुनी कर देते हैं। फिर उसने गौर किया, मैं जब मंदिर में प्रसाद पाता हूँ तो वहाँ खट्टा खट्टा लगता है, मीठा मीठा लगता है, नमकीन नमकीन लगता है, लेकिन जो मैं बाकी किसी भी जगह पर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ तो ना नमकीन नमकीन लगता है, ना खट्टा खट्टा लगता है, ना मीठा मीठा लगता है, ये चक्कर क्या है भैया। तो मंदिर आया, मंदिर के भक्तों से पूछा, कहते भैया आप लोग कौन से मसाले इस्तेमाल करते हैं जी कुकिंग में, तो भक्तों ने बताया जी हमारे मसाले भी सेम ही हैं जो कि बाकी लोग मसाले इस्तेमाल करते हैं, हम भी वही मसाले इस्तेमाल करते हैं। कहते अच्छा, तो ये मतलब ऐसा क्यों भाई, मेरे को यहाँ मीठा मीठा लगता है, खट्टा खट्टा दिस इज दैट, ऐसे कैसे। तो भक्तों ने बताया जी वैसे हमारा सब कुछ सेम ही है, बाहर भी कुकिंग होती है, यहाँ भी कुकिंग होती है, लेकिन हमारा प्योर वेजिटेरियन है, विदाउट अनियन गार्लिक, और हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं। भोग लगाते हैं, उसके बाद व्यक्ति का प्रसाद में इतना विश्वास हो गया दैट ही स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र की वाकई में भगवान है और भगवान भोग स्वीकार करते हैं। यस वाओ, लॉर्ड कैन गिव अस हिज मर्सी इन द फॉर्म ऑफ फूड। जब खाने के अंदर भगवान की कृपा मिल जाती है तो प्रसाद बन जाता है, जब भगवान की कृपा, जब पानी मिल जाती है तो चरणामृत बन जाता है, अगर भगवान की कृपा, अगर गाने मिल जाती है तो कीर्तन बन जाता है, अगर भगवान की कृपा बातचीत में मिल जाती है तो वो कथा बन जाती है। वाह, तो भगवान मतलब जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर तो कृपा भरी देंगे। तो दैट मीन्स हम खाना भी खाते हैं, उसको जो हम भोग लगाते हैं तुलसी पत्र के साथ, भगवान उसको स्वीकार करके जो हमें देते हैं, दैट इज एक्चुअली मर्सी, दैट इज एक्चुअली प्रसाद। इसलिए हमको भोग लगाना चाहिए भगवान को और पाना चाहिए। पिछले युगों में इट वॉज नेचुरल कि हम जो भी खाएंगे उसको भोग लगाएंगे और फिर खाएंगे, लेकिन अभी कलयुग आया है, कलयुग में भाई भगवान की तो इनकी चिंता है नहीं, भगवान को भी बल्कि मानते भी नहीं है, पता नहीं है नहीं है, खाता है सोता है, ये तो हमें वो तो दूर की बात है, पता नहीं वो है नहीं है, ये डाउट है लोगों को। वेल ऑफ कोर्स द लॉर्ड इज देयर, भगवान निश्चित रूप से हैं और भगवान हमें कृपा देते हैं इन अ वेरी एक्सेसिबल वे, इन अ वेरी डिलीशियस वे, दैट इज प्रसाद। यूजली प्रसाद का कंसेप्शन ये कि अच्छा बूंदी दिखा दो बस वही हो गया जी, ना 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 ना, एक्चुअली जो भी हम खाते हैं हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो अगर आप सब्जी खाते हैं, पास्ता खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, समोसे खाते हैं, साउथ इंडियन खाते हैं, नॉर्थ इंडियन खाते हैं, कॉन्टिनेंटल खाते हैं, जो भी खाते हैं, इट शुड बी प्योर वेजिटेरियन विदाउट एनी गार्लिक विद तुलसी पत्र, यू कैन ऑफर टू द लॉर्ड एंड यू कैन हैव इट एंड यू गेट प्रसाद, यू गेट मर्सी। अब चलते हैं हम अगले श्लोक पर। यस, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ओके, तो सारे प्राणी किस पे जीते हैं जी, सारे प्राणी जी रहे हैं अन्न पे, लेकिन अन्न किससे आता है, वर्षा से आता है। ओके, अगर हमें अन्न चाहिए, दैट मींस वी नीड ग्रेन्स, ग्रेन्स किससे आएगा जी, फ्रॉम रेन्स, यानी वर्षा से। अच्छा, तो वर्षा, वर्षा वाला कहां से आती है,
वर्षा आती है यज्ञ से, दैट मीन्स ऑफरिंग से या सैक्रिफाइस से। Yes. तो हमारे पास जो कुछ भी है हमें बेसिकली उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। So it's actually, when somebody says, well, भगवद गीता is mythology, well, very clearly Lord says, वर्षा से क्या आता? अन्न आता है। क्या ये mythology है? श्री प्रभुपाद बोला करते थे, yes, see, it is given very, it's a very practical science. पर usually क्या होता है, लोग इतना तो मान लेते हैं, ये थर्ड पार्ट के बारे में नहीं जानते कि यज्ञ से ही वास्तव में वर्षा होती है और फिर वर्षा से अन्न आता है। ये बात है, हाँ वर्षा से अन्न होता है ये तो हम जानते हैं, लेकिन सिर्फ ये पिक्चर लेके चलना ये अधूरी पिक्चर है एक्चुअली। By sacrifice comes वर्षा। एक समय ऐसा हुआ था, फिजी नाम का स्थान है, तो वहां पर काफी सालों से वर्षा नहीं हो रही थी। सो डिवोटीज ने कहा कि अगर आप सब मिलकर के हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करेंगे देखना बारिश होगी। अच्छा जी, ठीक है जी। नाउ दिस वॉज इन मीडिया कवरेज, नाउ हरे कृष्ण डिवोटीज ने है प्रॉमिस दैट इस साल बारिश होगी, एंड डिवोटीज स्टार्टेड डूइंग कीर्तन। अब कीर्तन कर रहे थे, अब सब लोग बड़े एंटिसिपेशन में कि नहीं कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, ये बारिश होगी इससे भला, ये यहां कीर्तन करने से बादलों का क्या कनेक्शन है? And this actually happened. As devotees started doing कीर्तन, कीर्तन का प्रभाव ये पड़ा कि ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि इस इतने सालों से जो जमीन प्यासी थी प्यास बुझ गई बाय दैट यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। दैट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल सैक्रिफाइस इन द एज ऑफ कलयुग। तो यस, बट वी हैव टू डू दिस ऑफरिंग। तो स्वाहा स्वाहा वाला जो यज्ञ है वो करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है, क्योंकि इसमें ना बहुत प्योरिटी चाहिए। जो करने वाला हो बहुत ही शुद्ध भाव का हो, दैट मींस ही शुड बी अ प्योर ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण नहीं, असली ब्राह्मण होना चाहिए उसको। चरित्र में, वाणी में, उसके कार्यकलापों में ही शुड बी सो प्योर ब्राह्मण। अच्छा, जो आहुति हो वो ही प्योर हो, यानी कि देसी गाय के दूध की बनी हुई आहुति हो, ये बहुत जरूरी है। अब देसी गाय भला कहाँ, ये पिंक रेवोल्यूशन के चक्कर में कितनी सारी गाय तो बीफ के लिए भेज दी जाती हैं। तो स्वाहा स्वाहा करने में उसमें घी है, उसकी सामग्री है, उनकी शुद्धता चाहिए, जो परफॉर्म कर रहा है उसकी शुद्धता चाहिए, और मंत्रों का उच्चारण शुड बी वेरी क्लिष्ट, वेरी क्लियर, वेरी अप्रोप्रिएट विद मीनिंग। इतना कुछ करना पड़ता है तब जाके फायर सेक्रीफाइस होता है। तो इसीलिए कलयुग में ये वाला सेक्रीफाइस कर पाना इतना प्रैक्टिकल नहीं माना जाता, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं दोष तो रह जाता है। तो कलयुग के अंदर है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ यानी कि जो यज्ञ यहाँ जो जिसकी आहुति यहाँ से जाती है और ये यज्ञ कुंड में, ये जो यज्ञ कुंड है इसमें जाती है। सो दिस यज्ञ कैन बी डन बाई एवरी वन। तो अगर इवन फॉर मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, दैट मीन्स वर्षा, उससे अन्न प्राप्त होगा, फॉर दिस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ बारिश होगी। यस, बारिश होगी, एंड दैट टू टाइमली होगी, और इतनी भी नहीं होगी कि फ्लड आ जाए, और इतनी कम भी नहीं होगी कि सूखा पड़ जाए, बराबर मात्रा में होगी। सो दैट इज यज्ञ और सैक्रीफाइस हैज टू बी डन, एस्पेशली सैक्रीफाइस इन द फॉर्म ऑफ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। ओके, अगला श्लोक है, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। तो भगवान यज्ञ में स्थित क्यों है, रीजन में ये कहां मेंशन है? दे आर गिवन इन शास्त्रास। अच्छा, ये कहां से आ रहे हैं? वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। तो वेद शास्त्र जो है भगवान से प्रकट हुए हैं। समझिए, यू नो मैं सेवा शास्त्र ये किसी इंसान ने लिख दिए। अच्छा, किस इंसान ने लिखे? तुम्हारे पिताजी ने लिखे हैं। ये यहाँ लिखा है भगवद गीता के अंदर कि सारे जो वेद इत्यादि हैं, वेद मीन्स उसके अंदर उपनिषद भी आते हैं, वेद भी आते हैं, उसमें पुराण भी आते हैं, उपपुराण भी आते हैं, उसके अंदर संहिताएं भी आती हैं, उसमें अरण्यक भी आते हैं। ऑल द वेदिक स्क्रिप्चर्स दे आर कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड, स्वयं भगवान से आ रहे हैं सारे शास्त्र। यस, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार से वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ में जीता है। तो जो अपनी इंद्रियों के लिए जी रहे हैं, जस्ट फॉर द सेंसेस, जैसे दुनिया के अंदर 99.99% लोग जी रहे हैं, वेल भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग व्यर्थ में ही जीवन जी रहे हैं। रीजन बीइंग दे आर नॉट फॉलोइंग द पाथ ऑफ सैक्रिफाइस। यस, तो इसीलिए मानव जीवन में क्या चाहिए, इस प्रकार से वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन करना चाहिए। अगर वो यज्ञ चक्र का पालन नहीं कर रहे देन दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर लाइफ। ओके, अगला श्लोक, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है और जो अपने में ही पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो किस व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं रह गया? द पर्सन हु इज नाउ स्वरूप सिद्ध, द पर्सन हु इज नाउ स्पिरिचुअली रियलाइज्ड पर्सन। जब तो हम लोग स्पिरिचुअली रियलाइज नहीं है, वी हैव टू वर्क एज पर आवर नेचर, वी हैव टू वर्क एज पर आवर बॉडी डिमांड्स एंड हमारे परिवार के प्रति कर्तव्य, बॉडी के प्रति कर्तव्य, ये सब हमें पालन करने पड़ेंगे। बट द वन हु इज सेल्फ रियलाइज्ड, ही इज डन,
recognized there was a great soul known as Shri Shukadev Goswami. Self-realized soul. एक समय वो मिलने के लिए गए जनक महाराज से. उनके पिताजी ने भेजा था, जाओ बेटा कुछ सीख करके आओ. जनक महाराज जो है महाजन आचार्य हैं, उनसे सीख करके आओ कुछ. उनके पास गए. अब जनक महाराज ने उनको वेट करा दिया बाहर, घंटों घंटों वेट करा दिया. बट ही वाज क्वाइट अनडिस्टर्ब्ड. उसका जनक ने कहा, जनक महाराज ने कहा, ओ अरे आपको काफी वेट कराया, आइए आइए अंदर आइए अंदर आइए. अच्छा तो आप कहाँ से आ रहे हैं? कहते हैं मुझे मेरे पिताजी ने भेजा है. मैं व्यास अनंदन हूँ, मेरा नाम है शुकदेव. ओ अच्छा अच्छा ठीक है. मैं जिनको मैं शिष्य स्वीकार करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनकी इंद्रियाँ कितने उनके वश में. तो ये शुगर क्रिस्टल अपनी जीवा पे रखी, अगर पिघलेगा नहीं, अगर मेल्ट डाउन नहीं होगा आपके सलाइवा से, देन आई विल एक्सेप्ट यू. तो उन्होंने घंटों घंटों उसको रखा उस क्रिस्टल. होता क्या है जब कोई व्यक्ति मीठी कोई चीज़ लेगा, सॉलिड चीज, सलाइवा अपने आप बनती बिकॉज देयर इज डिजायर टू एंजॉय इट. बट ही वाज सो मच डिटैच्ड, सो मच डिटैच्ड. सो ही इज एक्चुअली, उनको कुछ ना, उनको ना खाने की परवाह है, ना उनको कहीं रहने की परवाह है. दिस पर्सन इज लिबरेटेड एक्चुअली. तो इसलिए ऐसे लोग जो कि स्वरूप से होते हैं, इनके लिए होता है, इनके लिए कुछ करणीय नहीं होता. नहीं फिर भी क्या ये लोग कुछ कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. स्वरूप से व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता है रह जाती है, ना ऐसे कर्म करने का कोई कारण रहता है. उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, क्योंकि उसको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. ही इज सो मच इन हिमसेल्फ बिकॉज ही इज सो मच फोकस्ड ऑन द सुप्रीम लॉर्ड. प्रभु पे इतना ध्यान लगा हुआ उसका, उसको खाने पीने सोने के लिए उसको किसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए भी रिक्वेस्ट समन कीजिए, कहीं रहने को मिल जाए, कहीं खाने को मिल जाए. पर ये तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है. सो ऐसे व्यक्ति को कर्म करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है. अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझ कर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म यानी कि परम की प्राप्ति होती है. वास्तव में जो परम ब्रह्म है यानी भगवान श्री कृष्ण है, उनकी प्राप्ति होती है. व्हेन वी एक्ट इन डिटैच्ड वे, जितने ज्यादा हम अटैच होकर कार्य करते हैं, अटैच होकर करने से होता क्या, उसमें कर्म फल की आसक्ति आती है. ओके जब कर्म फलों से आसक्ति आ जाती है, देन वी अगेन एंगेज इन एक्शन, अगेन कर्म फल, अगेन एक्शन, एंड देन अगेन कर्म फल. तो एक्शन रिएक्शन के इस मैट्रिक्स में व्यक्ति उलझ जाता है. So when the person is detached, yes, then the person can act rightly. जब वो अनासक्त होकर कार्य करता है, और आप देखेंगे कि ना जितने लोग अनासक्त होकर कार्य करते हैं, they are more efficient. जब बहुत अटैच होकर कार्य करते हैं ना, तो हमने एक सर्टन दायरे के ऊपर सोच ही नहीं पाते. बट दोज हु आर डिटैच्ड, दे आर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एक्चुअली. जो कि अपने आप में बहुत संतुष्ट लोग हैं ना, ऐसे लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड कॉन्ट्रीब्यूट करना जो कार्य है वो लीडर्स का कार्य है. मोर द पर्सन इज अटैच्ड, अ पर्सन कैन बी वेरी बॉसी. But not a leader. Leader is detached. He is just contributing. Just like Lord Shri Krishna himself, भगवान को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है. But Krishna is acting like a chariot driver. Why? आना सकते हैं. ऐसा नहीं कि उसके बाद अब सारा महाभारत होने के बाद में भगवान ने कहा भाई हमारे लिए क्या भाई है, हमें क्या मिला, हमने 18 दिन आपके ये ड्राइवरी की है, हमें तो कुछ मिलना चाहिए. आना सकता. The one who is आना सकता can contribute. और ऐसा व्यक्ति फेलियर और सक्सेस दोनों में हिलता नहीं है. ना सक्सेस में वो बहुत पागल होता है, यस यस यस, ना फेलियर्स में इतना दुखी होता है, नो 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 ना. ही इज मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ही इज मोर स्टडी एक्चुअली. तो अनासक्त होकर के कर्म बंधन में भी नहीं फंसते, एंड वी आर मोर एफिशिएंट इन व्हाट वी आर डूइंग. ऑलराइट, जनक जैसे राजाओं ने ने केवल नियत कर्मों को करने की से सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए. So sometimes you have to act to set up the example. तो इसी संदर्भ में आ रहा अगला श्लोक भी कि महापुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है. वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है. यद्यत आचरति श्रेष्ठस, जो महान लोग कार्य करते हैं लोग उन्हीं को कॉपी करते हैं. यस yes, अगर महान लोगों ने फटी जीन्स पहनना शुरू कर दिया तो लोग भी फटी हुई जीन्स पहनना शुरू कर देते हैं. अरे उसमें महान व्यक्ति को देखा मैंने, वो फटी हुई जीन्स पहन के घूम रहा था, वो तो हम भी फटी हुई जीन्स पहनेंगे. yes. तो जो महान लोग करते हैं वही बाकी लोग भी करते हैं. तो इसीलिए कहीं कभी कभी ऐसे जो लोग होते हैं, those who are detached, those who are self-realized souls, भले उनके लिए कोई नियत कर्म नहीं है, बट इवन देन वो कार्य करते हैं सामान्य व्यक्तियों को इंस्पायर करने के लिए. देखो तुम्हें भी करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ ना, तुमको भी करना चाहिए. सो एज अ ग्रेट पीपल डू, पीपल फॉलो दैट. कई बार ऐसे लोग भी हैं जो कि बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं लेकिन कार्य कुछ नहीं करते. So people take inspiration from what people do and less what we say actually, because actions speak louder than the words. Shri Prabhupada ji ke shishya the, unko Shri Prabhupada ji Russia bhejna chahte the ki wahan par Krishna bhakti ka prachar prasar ho. Us bhakt ne bola Shri Prabhupada lekin mujhko to Russian bhasha aati hi nahi hai.
शिल्पोपा जी ने कहा, लोग इससे भक्त कम बनेंगे कि तुम क्या बोलते हो, लोग इससे भक्त ज्यादा बनेंगे कि तुम क्या करते हो। यस, तो दैट वेज ग्रेट पीपल वन व्हाट दे डू दैट अट्रैक्ट्स। तो प्रभुपा जी जब यूएसए गए तो वहां पर यूएसए में जाकर प्रभुपा जी के लेक्चर हुआ करते 20-25 मिनट के, बट द वे ही वुड कंडक्ट हिमसेल्फ, उनका जो व्यवहार था, जो उनकी डीलिंग्स थी, उसको देखकर पीपल वर एक्चुअली हिप्नोटाइज्ड, दे वर सो मच इंप्रेस्ड बाय हिज प्योरिटी। ये क्या व्यक्ति है, ही चैंट्स सो मच, ही सिंग्स द होली नेम, भगवद गीता एंड ऑल दैट। ओह, सो ग्रेट पीपल जैसे कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को कि हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए। बेसिकली पीपल नीड रोल मॉडल्स। यस, जब हमारे पास रोल मॉडल्स होंगे देन वी परस्यू दोज रोल मॉडल्स। आज हम देखते हैं लोग बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड के पीछे क्यों भाग रहे हैं, बिकॉज दे हैव गॉट देयर रोल मॉडल्स। इस तरह से स्पिरिचुअलिटी में भी, व्हेन पीपल हैव रोल मॉडल्स देन पीपल सीक टू फॉलो सच पीपल, उनका उनका उनके अनुसरण, उनके व्यवहार को देख करके अनुसरण करना चाहते हैं। सो इसीलिए महापुरुषों को भी ऐसा आचरण करना होता है जिससे कि बाकी लोग उनको फॉलो करें, भले ही उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, दे आर सो डिटैच्ड, दे आर सो मच इन देमसेल्व्स अटैच्ड टू कृष्णा, बट दे डू, दे एक्ट सो दैट अदर्स कैन फॉलो लाइक दैट। ओके, अगला श्लोक आता है, हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। जैसे भगवान जब आते हैं तो गुरु स्वीकार करते हैं, भगवान में सारा ज्ञान तो उन्हीं से आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे भगवद गीता में, आगे जाकर बताएंगे, विदेश शरीर अहम है वेद्यो, वेदों से मुझे को जाना जाना है, और वेदकृत कौन है, वो भी मैं हूँ, सारे वेद जो है मुझी से आ रहे हैं। तो भगवान फिर आप क्यों सीखने जा रहे हो गुरु को, आप क्यों गए शांतिपुनि मुनि के आश्रम में, टू सेट अप एन एग्जाम्पल कि आपको भी गुरु स्वीकार करना चाहिए। मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण दिखा रहे हैं मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, सारा ज्ञान मेरे से आ रहा है। इवन देन आई एक्सेप्ट गुरु, इवन व्हेन आई कम एज लॉर्ड राम, मैं वशिष्ठ मुनि को स्वीकार करता हूँ। जब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आता हूँ तो मैं गंगादास पंडित को स्वीकार करता हूँ या ईश्वरपुरी को स्वीकार करता हूँ। जब भी भगवान आएंगे गुरु स्वीकार करेंगे, जबकि उनको गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान भी ऐसे कार्य क्यों करते हैं इवन दो उनको आवश्यकता नहीं है, सो दैट पीपल कैन फॉलो। ओके, उन्होंने गुरु स्वीकार किए, हमें भी करने चाहिए। तो भले इवन दो देयर इज नो ड्यूटी फॉर द लॉर्ड, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों का सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। भाई भगवान ऐसा किया था, हम भी वैसा करेंगे, ठीक है जी। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। जब मैं अवांछित जन समुदाय वर्णा संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा एक्चुअली। क्योंकि भगवान अगर अपनी बात से, अपने कथनों से, अपने लाइफस्टाइल में अगर डिबेट हो जाए तो लोग उनको फॉलो करेंगे। सो दैट इज कृष्णा फॉलोज आइडियल एग्जाम्पल। सो ही इज देयर एज एन आइडियल सन, ही इज देयर एज एन आइडियल हस्बैंड, ही इज देयर एज आइडियल फ्रेंड ऑफ अर्जुना, ही इज देयर एज आइडियल मास्टर। वाओ, सो कृष्णा इज आइडियल सो दैट पीपल कैन फॉलो द आइडियल्स। अफकोर्स इसमें श्री राम को एम्यूलेट करना ज्यादा आसान है, रीजन बिंग ही इज देयर एज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। विशेष रूप से श्री राम के रूप में आकर के भगवान ये आदर्श साबित करते हैं कि हमें सब चीजों में कैसे आदर्श रहना है। कृष्ण की ना जो वाणी है उसका पालन हमें अवश्य करना चाहिए, बिकॉज कृष्ण के ऐसे एक्टिविटीज हैं जो कि सिर्फ भगवान कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ ही इज अ गृहस्थ, तो गृहस्थ होने पर उनकी वाइफ कितनी है, 16108। माय गॉड, 16108, इतनी वाइफ कौन हैंडल कर सकता है। अच्छा, हाउ मेनी गोपीज यू हैव, वेल जस्ट 10,000 crore गोपीज, देयर वर 100 ग्रुप्स ऑफ गोपीज एंड इन ईच ग्रुप देयर वर 100 बिलियन गोपीज। So basically 100 into 100 हो गया 10,000 billion gopis, my God, and Krishna is there with each one of them. तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जो कार्य हैं, they cannot be imitated because he is God. अरे 10,000 billion gopis छोड़ दीजिए, even 10 gopis nobody can handle. भैया हमसे एक ही हो गई, बस एक ही संभाल पाती है। लोग जिनकी तीन भी girlfriend होती है ना, they maintain diary कि भाई जिसका नाम रीटा है, एक का नाम कैटरीना है, एक का नाम सेन्योरीटा है, कौन कहाँ रहती है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, किसको क्या पसंद है, डायरी मेंटेन करनी पड़ती है फॉर जस्ट 3 गर्लफ्रेंड्स। भगवान श्री कृष्ण के बाद, ओ माय गॉड, ही हैज गॉट सो मेनी गोपीज एंड दे आर ट्रांसेंडेंटल, ऑफ कोर्स दे आर नॉट ऑर्डिनरी गर्ल्स। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को तो हम कॉपी नहीं कर सकते, बट दे आर फ्यू एक्टिविटीज विच वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरु को स्वीकार करना, माता पिता का सम्मान करना, अपनी ड्यूटीज को पूरा करना, इवन अगर दोस्त की हेल्प करनी है उसके लिए ड्राइवर बनना। सो कृष्णा इज डूइंग ऑल ऑफ दैट। पर यस, भगवान श्री कृष्ण लेकिन आदर्श स्थापित करने के लिए इवन वो भी कार्य करते हैं व्हेन ही कम्स इन हिज इनकार्नेशन, वेरियस इनकार्नेशन लाइफ से। फॉर एग्जांपल देखा कि जितने भी आतताई हो गए, बहुत फैल गए, क्षत्रिय वगैरह, ओके आई विल बी देयर एज परशुराम। तो अगर
आदर साबित करना है तो इन द फॉर्म ऑफ श्री राम, लेकिन भगवत्ता के लिए ऑफ कोर्स ही हैज गॉट हिज फॉर्म एज कृष्ण, जैसे विश्व रूप दिखाना। अभी विश्व रूप कौन दिखाएगा इस दुनिया के अंदर भाई, ये भगवान श्री कृष्ण दिखा सकते हैं, आगे जाकर आएगा ऑफ कोर्स भगवत गीता में। सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर यूनिक टू लॉर्ड श्री कृष्ण बिकॉज ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। यस, तो जो आसक्त होकर कार्य करते हैं उनको बताया भगवान ने दैट यू आर अज्ञानी जन, और जो अनासक्त होकर के, अच्छा ये अनासक्ति वाला आती कहां से है? ये अनासक्ति आती है नॉलेज से। ओके, सो व्हेन समबडी इज डिटैच्ड विद द पावर ऑफ नॉलेज, डिटैचमेंट उसने ली नॉलेज से, और फिर उस डिटैच्ड एटीट्यूड के साथ उसने एक्शन किया, दैट इज एक्चुअली भक्ति योगा। सो विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सही प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। यस, कई बार लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए घर में थोड़ा दुखी हो गए, तो आगे फिर हमें ना मंदिर में रख लो, आप मंदिर में रख लो जी, हमें सेवा, आप मंदिर में कहीं रख लो, हम कहीं पे भी हम सो जाएंगे, दैट्स इट। तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना चाहिए, आप घर वापस भेजना चाहिए। होता है कि कुछ समय के लिए थोड़ा झटका वटका लग गया तो आ जाते हैं, पर इंटरनली दे आर स्टिल नॉट रेडी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों को कर्म में लगाए रहना चाहिए, कि ना अपनी ड्यूटी पूरी करते रहो। यू ऑल्सो कम एंड लर्न भगवद गीता, आप ज्ञान भी प्राप्त करें, तो ज्ञान प्राप्त करते हुए अब आप जब कार्य करेंगे तो आप फंसेंगे नहीं, और धीरे धीरे करके आप जो डिटैचमेंट है वो आएगी आपकी। जैसे कि ना अगर नायल फोड़ा जाता है ना, नायल को भी ऐसे नहीं फोड़ते हैं, थाड़। अगर आप नायल को ऐसे थाड़ करके फोड़ दिया तो उसे खोल से ना उसकी गरी को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस रीजन में वो भी चिपकी होती है, तो उसे करके निकालना पड़ता है। इन्होंने कभी नायल फोड़ा है और गरी को निकाला है, दे नो दिस, इट इज वेरी मतलब पेन स्टेकिंग टास्क। लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो क्या करते हैं, सीधे ऐसे फोड़ते नहीं है नायल को, क्या करते हैं उसको ऐसे करते हैं, यहाँ यहाँ ठोकेंगे उसको, ऐसे से ठोकेंगे, ऐसे से आगे पीछे ठका 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 ठक 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 ठक, ऐसे करते 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 होता क्या है, उसके अंदर का जो खोल होता है वो और जो गरी है वो आपस में डिटैच हो जाते हैं, हिलते हिलते वाइब्रेशन होते 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 होते, तो जो गरी है वो खोल से अलग हो जाती है। अब जब तोड़ा जाता है इसको और ये टूट के अलग होता है, तो गरी को निकालना आसान होता है। उस समय सोल जो है बॉडी से बहुत ज़्यादा अटैच होती है, अगर एकदम टाइटली एमलमगेटेड, तो ऐसे में व्यक्ति मान लो उसने घर छोड़ दिया, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी से तो अटैचमेंट है, और बॉडी की जो इच्छाएं हैं, बॉडी की जो ज़रूरतें हैं उससे अटैचमेंट है, तो फिर डिटैचमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज द सोल इज स्टिल अटैच टू द बॉडी, वेरी 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 डेंसली एमलमगेटेड, अच्छे से चिपकी होती है। पर लेकिन जब व्यक्ति कर्म करता रहता है और ज्ञान में कर्म करता रहता है, तो ठका 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 ही इज एंगेज इन एक्शन बट विद नॉलेज, डिवाइन नॉलेज, तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी से सोल जो है डिटैच हो जाती है। हालांकि सोल बॉडी के अंदर ही रहती है, बट बिकॉज ऑफ दिस होल थिंग दैट मीन्स एक्शन इन नॉलेज, उसकी वजह से जो सोल है यानी कि अंदर का जो पल पला पार्ट है, इट बिकम्स डिटैच फ्रॉम द खोल। ऐसे में व्यक्ति देन द पर्सन कैन बी राइटली सिचुएटेड। तो इसीलिए कभी को एकदम से अगर छोड़ छाड़ गया, बस छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार वाला जो हिसाब किताब जिनका होता है उनको बोलना चाहिए, नहीं नहीं आप करिए करिए, आप कार्य करिए, करते रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए, एंड देन यू कीप डूइंग दिस, एंड देन ग्रेजुअली द पर्सन बिकम्स डिटैच्ड इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ओके, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर के अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यस, तो ऐसा व्यक्ति जो कि अहंकार से मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को कर्ता मानता है, आई एम द डूअर। तो क्या हम लोग डूअर नहीं है क्या, हम लोग करता नहीं है क्या? हाँ, वेल, ऐसे व्यक्ति जो कि अपने आप को डूअर मानते हैं, एक्सक्लूसिव डूअर मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए बताया गया कि दैट दे आर अहंकार रिमूव आत्मा, कर्ता अहम इति मन्यते, करे करे करने वाले हम हैं। तो क्या हम लोग करता नहीं है क्या? यस, वी आर ऑल्सो डूअर्स, ऑफ कोर्स वी आर, हम लोग हैं सोल, ठीक है जी, सोल इज ऑल्सो डूअर। लेकिन सोल के ऊपर एक और भी एंटिटी है, उसको बोलते हैं नेचर, मटीरियल नेचर। मटीरियल नेचर इज ऑल्सो डूअर, ओके, और इसके ऊपर है परमात्मा, दैट मीन सुपर सोल। ये वास्तव में तीनों डूअर हैं। अच्छा, तीनों वाला डूअर कैसे हो गए जी, ये तीन डूअर कैसे हो गए? सोल डूअर है, रीजन बीइंग सोल कैन डिजायर,
अच्छा मटीरियल नेचर भला कैसे डूअर है, क्योंकि मटीरियल नेचर ना सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एज पर लॉ ऑफ कर्मा। ओके सो इट शो सी फैसिलिटेट्स। So as per the law of karma, the material nature facilitates. So इसलिए material nature भी is also doer. Super soul is also doer because he is approving authority. Okay, so इसीलिए ये तीनों doer हैं. Soul भी doer है, material nature भी doer है और super soul यानी परमात्मा भी doer है. तो सिर्फ डिजायर से काम नहीं चलता, तो बिकॉज सोल इज डिजायरिंग तो ये भी डूअर है। ओके मटीरियल नेचर भी डूअर है बिकॉज एज पर लॉ ऑफ कर्मा वो फैसिलिटेट करती है, तो ये भी डूअर है। और अल्टीमेटली अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है? उपदृष्टा अनुमंता, दैट मींस ओवरसीयर एंड द अप्रूविंग अथॉरिटी इज सुपर सोल। तो इसलिए भगवान भी डूअर है। सो ऑल द थ्री आर डूअर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मानता है आई एम द ओनली डूअर, दैट पर्सन इज नोन एज अहंकार विमूढ आत्मा। लेकिन जो मानता है कि आई एम ऑल्सो डूअर, ओके मैं भी करता हूं, एक है शब्द भी, मैं भी करता हूं, और एक है मैं ही करता हूं, इसको बोलते हैं अहंकार विमूढ आत्मा, कि मैं ही करता हूं। अगर आप किसी चीज को बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं तो कायनात की षड्यंत्र रचती है कि आपको उस चीज से मिला दे, दैट मीन्स मैं ही करने वाला हूं, दैट मीन्स यू आर अहंकार विमूढ आत्मा, यू आर ड्रिवन बाय अहंकार, मैं ही करने वाला हूं। नहीं सर, इवन दो यू मे डिजायर समथिंग वेरी डेस्परेटली, लेकिन आपके एज पर लॉ ऑफ कर्मा अगर वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में नहीं है, इवन दो यू मे डिजायर वेरी डेस्परेटली, आपको वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। यस, लॉ ऑफ कर्मा भी है बिफोर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके कुछ लोग जो यहाँ सिर्फ इसी को लेकर चलते हैं, दैट मीन्स ओनली ऑन सोल लेवल दे आर मोर ड्रिवन बाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी है लॉ ऑफ कर्मा। यस, अगर आपके कर्मों में नहीं लिखा ना वो चीज, तो कर लो आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे को मिल जाए। एक्चुअली बताऊं, किसी चीज को शिद्दत से चाहना ये भी हमारे बस में नहीं होता कभी। मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ओके नाउ डेस्परेटली डिजायर टू हैव नूडल्स, कहीं यार एकदम से कैसे डिजायर कर लें भाई नूडल्स के लिए, करिए ना, आपके हाथ में तो है, डेस्परेशन आपके हाथ में ही है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें कर्मों के अनुसार मिलने वाली होती है उसको लेकर के वी डेवलप सर्टेन काइंड ऑफ इंक्लिनेशन, और आप वो डिजायर करना शुरू करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट एंड देन यू अचीव इट, आपको लगता है यस क्योंकि मेरे में शिद्दत थी इसलिए मैंने उस चीज को पा लिया। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है भाई। यस, मेरे में काम किया, मेरी शिद्दत थी कि मैं एक दिन इंजीनियर जरूर बनकर दिखाऊंगा और मैं बन गया क्योंकि मेरे में शिद्दत थी। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा इज ऑल्सो वर्किंग देयर। सो आपको लॉ ऑफ कर्मा आपको पुश करता है दैट यू एंगेज इन सर्टेन एक्टिविटी एंड देन यू बिकम सक्सेसफुल इन दैट एक्टिविटी, सो दैट एज पर लॉ ऑफ कर्मा आपको वहां सफलता प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए इसके ऊपर लॉ ऑफ कर्मा भी है, और लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर मटेरियल नेचर के ऊपर फिर भगवान भी है। अगर भगवान का अप्रूवल ना हो अगर ना, तो हमें वो कोई चीज प्राप्त हो नहीं सकती बिकॉज ही इज द अप्रूविंग अथॉरिटी। यस, ऑफ कोर्स हालांकि भगवान एज पर लॉ ऑफ नेचर जो लॉ ऑफ कर्मा है उसके अनुसार भगवान देते हैं। ओके लेकिन लॉ ऑफ कर्मा बनाने वाले कौन है? भगवान। ओके इसकी स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे वो शक्ति किसके पास है, वो अथॉरिटी किसके पास है? भगवान। तो इसीलिए भगवान के पास अल्टीमेट सबसे बड़ी शक्ति है, ठीक है जी। तो इवन हम खाना भी अगर पचाते हैं तो बिना सुपर सोल के अप्रूवल के खाना भी नहीं पच सकता हमको। यस, सो जो व्यक्ति ये लेके चल रहा है, वेल शिद्दत होनी चाहिए जी, शिद्दत होनी चाहिए, अगर किसी में शिद्दत है तो पालेगा वो उसको। वैसे ऐसे कई शिद्दत वाले हुए, उनको उनकी मनचाही चीज नहीं मिली, भले उसने अब गुस्से में आकर के एसिड लिया हो, उसके चेहरे फेंक दिया हो छमाक, कि तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकी। वेल पर आपकी शिद्दत तो बहुत ही जी, आपने तो खूब नसें वसें काटी थी और वहाँ से खून लेकर के आपने लेटर वेटर भी लिखे थे। और ऐसे लोग भी हैं जिनमें शिद्दत नहीं थी एक्चुअली, दे हैड नो डिजायर टू गेट समथिंग, लेकिन आ गई पता नहीं यार, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल पीपल, दे आर मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स। मैंने उनसे पूछा सर व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, दे से वेल आई थिंक माय सक्सेस इज मोर ऑफ एन एक्सीडेंट, आई नेवर थॉट आई विल बिकम सो सक्सेसफुल, बट या बट थिंग्स आर हैपनिंग यू नो। पता नहीं क्लाइंट कहाँ से आ जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट उनको पता चल जाता है, वो आ जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट उनको पसंद आ जाता है, एंड दैट इज वी आर ग्रोइंग सो फास्ट, हमारा रेवेन्यू जो है दिन दुना रात चौकने से बढ़ रहा है, बट आई नेवर थॉट इट विल हैपन।
तो सिर्फ डिजायर से अगर सब कुछ मिलता होता है तो ऐसे लोग जिनमें डिजायर नहीं थी उनके पास तो कुछ नहीं होना चाहिए, पर ऐसे लोगों के पास ही बहुत कुछ है। यस, इन माई केस आई वॉज वेरी डेस्परेट टू बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि हमारे खानदानों में कोई डॉक्टर नहीं था। हमारे जिसने मेरे माता पिता ने कहा बेटा तुम डॉक्टर जरूर बनना बेटा, तो मैं बायोलॉजी को बहुत ही शिद्दत से पढ़ा करता था। ओके, और इंजीनियरिंग का था कि ना ठीक है भर देंगे, ठीक है साल खराब ना हो तो ठीक है वो भी भर देंगे, लेकिन शिद्दत किसके लिए थी कि मैं मेडिकल करूँगा। हाँ मैं मेडिकल करूँगा जी, मेडिकल में हो रहा था लेकिन ना काफ़ी दूर हो रहा था जी, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग में हमारा यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा सब जगह हो गया, लॉजिंग यहाँ भी है, तो दैट इज हैड मोर चॉइस टू डू इंजीनियरिंग देन माई मेडिकल करियर। लेकिन शिद्दत किसके लिए थी? मेडिकल के लिए। बट इन माई बट एज पर लॉ ऑफ कर्मा सिंस आई वाज सपोज टू बिकम एन इंजीनियर, तो इसीलिए नेचुरली हमारा इंजीनियरिंग में सब जगह पर हो गया जी, और वो मेडिकल में हुआ कहीं साउथ इंडिया में जाकर के, अब वहाँ कौन जाएगा। सो दैट मीन्स, और वो भी रहा था मतलब कोई कोटा शोटा में हो रहा था, तो शिद्दत के अनुसार तो मेरा किसी बढ़िया मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए दिल्ली में या आसपास में कहीं, बट नहीं। सो लॉ ऑफ कर्मा इज वर्किंग अबव लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इस दुनिया के अंदर लोग जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं बिकॉज इसमें ना यू टेंड टू हैव कंट्रोल। यस, लेकिन जैसे ही मैं लॉ ऑफ कर्मा को पिक्चर में लेके आता हूँ ना तो कंट्रोल कम होता है। सर आप कितनी शिद्दतें रख लो, यू मे हैव डिजायर फॉर कंट्रोल एंड ऑल दैट, पर आपके कर्मों में नहीं लिखा सर, आपको वो चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो दिस टेक्स अवे कंट्रोल, तो इसीलिए ज़्यादातर जो दुकानदारी है वो इसी तक ही रहती है बस। हाँ कहता इतने में रखो, इतने में लग रहा है कि हाँ कंट्रोल हमारे हाथ में है, बट दिस इज इनकम्प्लीट पिक्चर। कंप्लीट पिक्चर में तो मटीरियल नेचर भी है, कंप्लीट पिक्चर में तो सुपर सोल भी है, इसको साथ लेके चलेंगे देन वी हैव द कंप्लीट पिक्चर कि ओके कोई चीज़ अगर हमें प्राप्त होती है तो क्यों प्राप्त हो पाती है, या कभी कोई चीज़ प्राप्त नहीं भी हो पाती तो क्यों नहीं हो पाती। इवन दो देयर वाज़ सो मच ऑफ हार्ड वर्क बीइंग डन, इवन दो देयर वाज़ सो मेनी रिसोर्सेज बीइंग एम्प्लॉयड, लेकिन वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, कुछ और मिल गया यार, ऐसे कैसे हो गया। दिस हैपेंस, तो इसीलिए अहंकार रिमूव आत्मा करता अहम इति मन्यते, ये उन लोगों के लिए है ये श्लोक जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, उनको लग रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द अल्टीमेट लॉ। एक्सक्यूज मी सर, देयर इज लॉ ऑफ कर्मा आल्सो, और लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर एक और चीज आती है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ लव, ठीक है जी, लॉ ऑफ लव। दैट मीन्स इन केस अ सोल डेवलप्स लव फॉर द सुपर सोल, दैट मीन्स कृष्णा, अगर भगवान के प्रति समबडी डेवलप्स अट्रैक्शन, then even if somebody something is not in my karma, God can give to the soul, reason being the soul is developing love for God. और ऐसी कोई चीज जो कि उसे कर्मों में है लेकिन उसकी भक्ति के लिए बहुत नुकसानदेह है, तो भगवान उसके लाइफ में वो लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार जो मिलने वाली चीज है उसको हटा भी देंगे। तो जो फेवरेबल चीज है भक्ति के लिए, जो सोल के लिए फेवरेबल है, भगवान उसकी लाइफ में रखेंगे, और जो अनफेवरेबल है उसको हटा देंगे। इवन दो अनफेवरेबल चीज उसकी लाइफ में हो एज पर लॉ ऑफ कर्मा, जो फेवरेबल चीज है उसकी लाइफ में रखेंगे भले उसके कर्म में नहीं है। सो दैट मींस अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा लॉ है वो है लॉ ऑफ लव, लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड विच इज अबव लॉ ऑफ कर्मा, एंड लॉ ऑफ कर्मा इज अबव लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे लो लेवल पर जो लॉ आता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब बिकॉज ऑफकोर्स सोल के पास डिजायर करने की इच्छा तो है, पर सोचे अरे बस डिजायर ही सब कुछ है जी। एक्सक्यूज मी, सबसे ज्यादा जो खूबसूरत इस्तेमाल है डिजायर का इज टू हैव द डिजायर टू लव द सुप्रीम लॉर्ड। तो लव में जब मैंने अप्लाई कर दिया देन आई एम वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली। तो इसीलिए अगर कोई मानता है वेल आई एम द डूअर, यस यू आर द डूअर ऑल्सो, but there are other doers as well. So ye is verse ki actually complete understanding hai. All right, badhte hain ab agle shlok ki aur. Hey mahabhav bhakti bhav mein karm tatha sakam karm ke bhed ko, sakam karm aur bhakti bhav wala karm dono bhed ko bhali bhati jante hue jo param satya ko janne wala hai vah kabhi bhi apne aap ko indriyon mein ya indri tripti mein nahi lagata. Indri tripti se milne wala sukh jo hai wo temporary hai aur ultimately wo dukh hai, ye baat janta hai wo. इसीलिए अपनी इंद्रियों को लगाते हैं भगवान की सेवा में, employing one senses in the service of the supreme lord. Okay, अगला श्लोक, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं, यदि भी उनके कार्य उनमें ज्ञान के अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। अज्ञानी लोगों को बहुत विचलित नहीं करना चाहिए।
धीरे 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 करके ग्रेजुअली वी शुड इंस्पायर देम टू बिकम स्पिरिचुअल। एकदम से लेकर के आएंगे ना वो खुद को संभाल पाएंगे बल्कि आसपास ही कोलाहल मचा देंगे। सो इसीलिए ग्रेजुअली वी शुड ट्राई टू एनकरेज देम। ओके, अगला श्लोक आता है, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझमें समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर के युद्ध करो। सो दैट वेज एज वी ऑलरेडी डिस्कस की, अर्जुन के लिए जो युद्ध है वो बाहर है, लेकिन हम लोगों के लिए युद्ध है वो हमारे अंदर है। तो अगर हमें युद्ध लड़ना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि मुझे आलस्य त्यागना होगा। अच्छा, आलस्य त्यागना होगा, लेकिन आलस वाला क्यों आता है? कहते हैं ये आप बता रहे हैं स्वामित्व की भावना जो है ना वो छोड़नी पड़ेगी। ओह, एज सुन एज स्वामित्व की भावना छोड़नी पड़ती है, मतलब कि मेरा चीजों में मेरा स्वामित्व नहीं है, सो वी टेंड टू लूज एंथुसियाज्म, वी बिकम लेजी। तो इसलिए स्वामित्व की भावना छोड़ करके कार्य करना चाहिए। अच्छा, ये स्वामित्व की भावना का मतलब क्या होता है? वेल, लाभ की आकांक्षा से आती है स्वामित्व की भावना। यस, तो इसलिए लाभ की जो आकांक्षा वो छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, उसके लिए भला क्या मुझे करना पड़ेगा? उसके लिए यहां लिखा है वास्तव में पूर्ण ज्ञान में युक्त होना पड़ेगा। ओह, पूर्ण ज्ञान में युक्त होना पड़ेगा। अच्छा, उससे फिर क्या होगा? तब हम सारे कार्यों को भगवान में समर्पित कर पाएंगे। तो भगवान में अपने कार्यों को समर्पित करने के लिए मुझे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे आकांक्षा की भावना नहीं रखनी चाहिए। दैट मीन्स आई शुड बी वेरी न्यूट्रली सेटल्ड डिस्पोज्ड, एंड देन साथ ही मेरे में स्वामित्व की भावना नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आलस्य त्याग करके आई शुड फाइट अगेंस्ट ऑल द इविल्स इनसाइड माय हार्ट, मेरे हृदय के अंदर जो कलमश है उनसे मुझे लड़ना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर के इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि हमें सकाम कर्मों के बंधन में बांधता क्या है? आदेशों को ना मानना, ईर्ष्या के साथ कार्य करना, ये वास्तव में हमको बांध देते हैं। यस, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उपदेश का पालन करना चाहिए, बट देयर आर फ्यू क्वालिटीज टू बी फॉलोड। वो है श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। यानी एक तो होता है रिचुअलिस्टिकली फॉलो करना, यानी रिचुअलिस्टिकली हम जो फॉलो करते हैं ना, तो क्या होता है, क्या है, रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते। सो दैट वे समटाइम्स पीपल टेंड टू लूज फेथ इन गॉड एज वेल, कि ना मैंने तुमने भगवान की भक्ति का पालन किया था लेकिन इतना लाभ नहीं हुआ। वेल, क्या आपने श्रद्धापूर्वक पालन किया था? दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन। तो इसीलिए हमें श्रद्धापूर्वक जो उपदेश है उनका पालन करना चाहिए। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कि भगवान के उपदेश हैं उसकी उपेक्षा कर देते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे हैव ईर्ष्या। अरे क्या कृष्ण ही है क्या? क्या क्या मतलब वही 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 भगवान है क्या? है ही कैन एंजॉय, व्हाई कांट आई एंजॉय? इफ ही हैज गोपीज आई कैन ऑल्सो हैव गोपीज। ईर्ष्या, भगवान के एंजॉयर होने पर जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या दिखाता है तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? भगवान के दिए हुए उपदेश को स्वीकार नहीं करता। तो इसीलिए उपदेशों को स्वीकार करने के लिए बहुत जरूरी है कि ईर्ष्या से बचना चाहिए वास्तव में व्यक्ति को। और इसका पालन नहीं करते तो उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित, दैट मीन्स कंफ्यूज्ड, तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट होना चाहिए। दैट मीन्स ऑल ऑफ देयर एंडेवर्स टू बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट वुड बी यूजलेस। यानी कि मार्केट के अंदर जितने भी आज गुरु घूम रहे हैं जो कि भगवान के आदेश को, भगवान के उपदेशों को नहीं मानते, ना ही उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं, सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकिंग है, या फिर कोई अगर गुरु जी हैं वो अपने मनगढ़ंत बातें लोगों को बता रहे हैं, तो वो अपने सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। रीजन बींग आउट ऑफ एनवियसनेस और आउट ऑफ इग्नोरेंस दे आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसलिए भगवान के उपदेशों का पालन करना है, हमें पोस्टमैन का काम करना है। बेसिकली गुरु का काम क्या है? पोस्टमैन का, यानी कि भगवान के संदेश को एज इट इज देना। अगर वो ये कार्य नहीं कर रहा है तो हुआ क्या? वो खुद कंफ्यूज रहेगा, ज्ञान से दूर रहेगा, एंड ऑल ऑफ द एंडेवर्स ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन वुड बी फ्यूटाइल। यस, आगे बढ़ते हैं जी। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों में से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या होगा? यानी कि हमें बाहरी दबाव से कोई सोचे कि मैं अपनी इंद्रियों को वश में कर लूंगा, ये मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं गलत है, ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, सर दमन से क्या होगा? क्योंकि जो ऐसा स्वभाव हमने प्राप्त किया है, वी आर फोर्स टू एक्ट बाय दैट नेचर। अगर किसी व्यक्ति के अंदर रजोगुण है तो रजोगुण की वजह से वो व्यक्ति वो कार्य करेगा करेगा, भले ही वो नहीं करना चाहता लेकिन कर बैठेगा, क्योंकि उसका नेचर है, ये स्वभाव है उसका। सो दैट इज वी आर फोर्स टू एक्ट एज पर द क्वालिटीज विच वी हैव एक्वायर्ड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो दमन से भला क्या होगा? तो क्या करें? दमन बिल्कुल भी ना करेंगे, जो भी इच्छा है पूरी कर लो, गलत इच्छा है पूरी कर लो, दमन भी करना पड़ता है, रिप्रेशन हैज टू बी डन। लेकिन दमन जो होता है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता,
बट फॉर टाइम बींग वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ दमन. अपनी इंद्रियों पर थोड़ा तो दमन करना चाहिए, रखना चाहिए, थोड़ा सा करना चाहिए. फिर जैसे जैसे हम शुद्ध होते रहेंगे तो ये हमारे इंद्रियों को संभालना है, ओके, ये नेचुरल हो जाएगा. लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी इंद्रियों को नहीं संभाल पाता बिकॉज अ पर्सन इज हैविंग सो मेनी पैशनेट डिजायर्स, तो कुछ समय के लिए कम से कम दमन रखना चाहिए. बिकॉज अगर दमन अगर नहीं करेंगे देन एंटायर सोसाइटी वुड बी पोल्यूटेड, अनसिविलाइज हो जाएंगे सब लोग, असभ्य हो जाएंगे, अशिष्ट हो जाएंगे, पाप बढ़ जाएगा. तो दमन भी करना चाहिए, पर दमन से ना सोल्यूशन नहीं है, अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है. अल्टीमेट सोल्यूशन है हृदय की शुद्धि, द प्यूरिफिकेशन ऑफ द डिजायर्स. ओके, अगला श्लोक आता है, प्रत्येक इंद्रिय तथा उनके विषय से संबंधित राग द्वेष का व्यवस्थित करने का नियम होते हैं. मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है. They are the stumbling blocks on the path of self-realization. राग और द्वेष. ओके, अगला श्लोक है, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है. स्वीय कर्म यानी कि हमारे जो नियत कर्म है को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है. हर व्यक्ति अपना अपना एक स्वभाव है, उस अनुसार उसको वो कार्य करना चाहिए. होता क्या है, अदरवाइज अगर व्यक्ति अपने स्वभाव के अगेंस्ट जाकर को दूसरा कार्य अगर करना होता है तो वो उस कार्य को भले ही अच्छा करता हुआ नजर आए लेकिन उसमें दोष रहेगा ही रहेगा. जैसे आपने श्री राम की कथा में सुना होगा कि एक शुंभक नाम का व्यक्ति था और वो वेद पढ़ा करता था और फिर एक ब्राह्मण आया श्री राम के पास और श्री राम से उसने बोला कि मेरे पुत्र का निधन मेरे से पहले कैसे हो गया, यानी कि आपके साम्राज्य में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए. और फिर श्री राम जो है ढूंढते ढांढते उनको पता लगा है एक शुंभक नाम का व्यक्ति है जो कि वैसे शास्त्र को पढ़ने के लायक नहीं है लेकिन वो पढ़ रहा है शास्त्र, वेद इत्यादि पढ़ रहा है. ओके, और फिर श्री राम ने क्या किया, उसको खड़क से मार दिया. अब इस बात को कई लोग उछालते हैं, देखिए श्री राम जात पात, ऊंची जाति नीची जाति, क्या श्री राम इसको सपोर्ट करते थे कि उन्होंने शुंभक नाम के उस व्यक्ति को जो कि शास्त्र पढ़ने के लायक नहीं था, सम पीपल यूज से कि अरे वो शूद्र था इसलिए उसको मार दिया. एक्चुअली ऐसा नहीं है. अगर भगवान श्री राम का दूसरी जाति या फिर हम बोले जो कि प्रीस्टली क्लास नहीं है, अगर उनसे कोई द्वेष होता अगर, तो क्या भगवान श्री राम भीलनी के झूठे बेर खाते, नहीं बिल्कुल नहीं. तो इसलिए सो दैट इज भगवान श्री राम के अंदर ऐसा नहीं है. इनफैक्ट अगर जिनको उन्होंने सवाल किया श्री सीता मैया को वापस लाने के लिए वो वानर है, अरे किसी और की हेल्प लेते हैं भाई, और क्या सीता मैया को वापस लाने के लिए. इनफैक्ट श्री राम को किसी आर्मी की आवश्यकता है नहीं, ही इज गॉड. लेकिन वानरों को भी सेवा में लगाया उन्होंने अपने साथ. तो भगवान किसी जात पात के शिकार नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एक्चुअली भगवान ने देखा ये जो शुंभक नाम का व्यक्ति है, ये शुंभक नाम का व्यक्ति वेद शास्त्रों को पढ़ करके ये प्लान कर रहा था दैट ही इज गोइंग टू मिसयूज देम, मिसइंटरप्रेट देम, और उसकी मिस जो रिप्रेजेंटेशन है, मिसइंटरप्रिटेशन है, उसका प्रचार प्रसार करेगा. सो इसीलिए शास्त्रों का गलत अर्थ लोगों तक ना पहुंच जाए, बिकॉज अ पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड टू टेक सच नॉलेज, हु इज गोइंग टू मिसयूज दिस नॉलेज, इसलिए उसको मारना जरूरी था. और आज भी हम देखते हैं ऐसे कई लोग हैं जो कि गीता के ऊपर या शास्त्रों के ऊपर दे राइट बुक्स एंड दे क्लेम टू बी माइथोलॉजिस्ट, that we are mythologists and they write books, पर वो शास्त्रों का इतना distorted version present करते हैं, my god, उसमें मतलब किसी व्यक्ति की अगर कोई श्रद्धा हो भी ना वो भी खत्म हो जाएगी. Of course, there are such people who are against सनातन धर्म, they have conspiracies against सनातन धर्म ताकि लोगों की श्रद्धा खत्म हो जाए उनके खुद के शास्त्रों को पढ़ करके. So they write such distorted versions of the shastras. But the point is that कि अगर कोई व्यक्ति वो करने के लायक जो करने के लायक नहीं वो कार्य करता है तो वो उसमें त्रुटि होगी ही होगी. तो इसलिए व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना प्रोफेशन चुनना चाहिए. ऐसे कई बच्चे हैं जिसका इंजीनियरिंग करने का मन नहीं है लेकिन उसके माता पिता ने कहा नहीं तो इंजीनियर बनना पड़ेगा. बट दिस पर्सन वाज जस्ट क्रिएटिव, वो शायद कुछ आर्ट से बहुत अच्छा करता पर वो इंजीनियरिंग अगर वो पढ़ भी लेगा अच्छे नंबर ले भी आएगा तो ना वहाँ पर वो पूरा हृदय से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा. तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार अपने प्रोफेशन को, अपने कार्य को, अपनी सेवा को चुनना चाहिए. ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक में. अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, भगवान श्री कृष्ण अपीयर्ड इन वृष्णिवंश, तो हालांकि वृष्णिवंश जो है इस सो प्योर, तो इसलिए उनको वृष्णिवंशी कह के पुकार रहे हैं अर्जुन. हालांकि भगवान किसी वंश में नहीं आते, भगवान से सारे वंश आ रहे हैं. सो हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है. अब ये सवाल मतलब इतने दिल के करीब सवाल है हर व्यक्ति के. हम पाप नहीं करना चाहते फिर भी पाप क्यों कर बैठते हैं? करने के बाद पछताते भी हैं, क्यों किया फिर से करते हैं, फिर पछताते हैं, क्यों किया फिर करते हैं, फिर पछताते हैं. माय गॉड,
पता नहीं आज से पता नहीं कौन हमें ये बार बार उन पाप करो में बार बार लगाए जा रहे हैं। क्यों हम कर बैठते हैं वो जो हम नहीं करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, जो नहीं करना चाहते हैं बार बार कर बैठते हैं, गिल्ट भी आता है फिर भी करते हैं, क्यों होता है भगवान? व्हाट अ क्वेश्चन, वाओ। तो आइए जानते हैं इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण क्या दे रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब होता है लस्ट। लस्ट का मतलब सिर्फ कार्नल क्रेविंग्स ही नहीं है, which a man has for the woman and a woman has for the man. When I have the very strong desire, बहुत ही तीव्र इच्छा है to enjoy something or someone जो कि मेरा नहीं है। वैसे दुनिया के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है, right? Even ये शरीर भी हमको दिया गया। So when we have very intense, maddening desire to enjoy something which is not my property, that is known as काम, okay? Which means lust. जिसमें of course the epitome is lust for the opposite gender. That means I want to enjoy someone even to the extent of exploiting someone. उसका शोषण भी करना पड़े ना, मैं करूँगा, लेकिन I want to enjoy. That is actually काम. So काम का मतलब है lust, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है. Yes. So that phase, अगर कोई lust में होता है, lust को व्यक्ति satisfy करने का प्रयास करता है. लस्ट के अब दो आउटकम्स हैं, सेटिस्फैक्शन एंड नो सेटिस्फैक्शन। अगर तो सेटिस्फैक्शन आती है तो उससे ग्रीड आती है, दैट मीन्स आई वॉन्ट टू एंजॉय इवन मोर, सो दैट फीड्स मोर इंटू लस्ट। ठीक है जी। इन केस देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, That leads to anger, okay? और anger किस में है? तमोगुण में, which is the mode of darkness. That means जब हृदय जो है संतुष्ट नहीं हो पाता, यार मुझे enjoy करना था, मुझे भोग करना था यार, और मैं कर नहीं पाया, so ऐसे में sometimes a person can do so much of harm to the other person just because I am not satisfied. As I have seen where ऐसे लड़के जो लड़की संतुष्ट नहीं दे, लड़की जो लड़के संतुष्ट नहीं दे, इवन दे वर रेडी टू इवन किल द अदर पर्सन। तो जब सेटिस्फैक्शन नहीं होती लस्ट की, दैट लीड्स टू एंगर एंड दैट लीड्स टू ऑफ कोर्स फॉल। तो चाहे हम नीचे वाले रस्ते पे आए या ऊपर रस्ते में जाए, दोनों ही केस जो है वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तो इसीलिए सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ईदर द पर्सन वुड बी इन एंगर, एंड एंगर इज वन स्टेप शॉर्ट ऑफ डेंजर, एंड दिस लीड्स टू fall down in the sense in one's character, in one's activities, fall down. लेकिन यहाँ भी क्या हो रहा है? Fall down. यहाँ पर fuel मिल जाता है ताकि so that we engage in lust, okay? And further it leads to fall down. अब हालांकि है ये जो है इसकी percentage बहुत कम होती है. Usually lust इसमें satisfaction होती नहीं है. ना. Usually the person remains dissatisfied because lust की demand इतनी ज़्यादा है, supply इतनी है नहीं संसार के अंदर. So person remains मोटा मोटा dissatisfied. But yes, now we can understand that ये वास्तव में सर्वभक्षी पापी शत्रु है. ये जो lust है, ये lust का जो rust है, lust is actually a kind of rust. जैसा rust होता है कोई चीज़ में तो वो पूरी तरह से activate नहीं हो पाती वो चीज़. उस तरह से हमारी life में हमारी activities, हमारी जो जिम्मेदारी हैं, duties हैं, उनमें हम fail क्यों होते हैं? Because we have got rust, rust of lust, जिससे बच निकलना है must. ओके, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। तो यहां पर तीन एनालॉजी दी गई है। फर्स्ट वन इज, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, अग्नि है सो धुआं, ओके। दूसरा दिया गया यहां पर दर्पण धूल से, दर्पण है जी, ओके, धूल से, और तीसरा है भूण गर्भाशय में। अब मां के गर्भ में जो बच्चा होता है, ओके, तो गर्भाशय, अब ये जो है, दिस इज द मोस्ट हेल्पलेस कंडीशन। व्हेन द चाइल्ड इज देयर इन द वूम्ब, दिस इज द मोस्ट हेल्पलेस कंडीशन। तो लस्ट की भी तीन डिग्रीज हैं। लस्ट की सबसे लाइटेस्ट डिग्री को कंपेयर किया गया है, जिस तरह से धुआं जो होता है वो अग्नि के चारों ओर होता है, ओके? और या फिर
शीशे के ऊपर, दर्पण के ऊपर जैसे धूल जमी होती है, जब धूल जमी होती है तो हम इसमें हम देख नहीं पाते, अपनी इमेज को देख नहीं पाते, ओके। और ये जो गर्भाशय में बच्चा होता है बहुत ही हताश अवस्था में होता है। तो ये जो लस्ट की कवरिंग है, दैट मीन्स दिस इज द लाइटेस्ट कवरिंग, ये लाइटेस्ट कवरिंग है इन द सेंस देयर आर वेरियस डिग्रीज ऑफ कवरिंग, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो लाइट एंड देन हैवी एंड देन हैवीएस्ट। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें लस्ट ज्यादा होती है, तो ये बेसिकली जान नहीं पाते मैं कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। जैसे अगर बहुत तेज झंझावात हो, झंझावात व्यक्ति देख नहीं पाता यार मैं मतलब जाना कहाँ है, करना क्या है। सिमिलरली अगर लस्ट का जो का झंझावात है, का जो तूफान है, आसपास इतनी धूल है, तो दैट इज हमारी डिवाइन आईज को ढक लेती है, हमारी ज्ञान की आंखों को ढक लेता है ये लस्ट, जिसकी वजह से हम सच्चाई को देख नहीं पाते। सो मिरर के ऊपर जिस तरह से धूल जमी होती है, तो ऐसा व्यक्ति देख नहीं पाता मैं कौन हूँ, मेरी ड्यूटीज क्या, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे काम की दिशा क्या होनी चाहिए, वो देख नहीं पाता। और सबसे ज़्यादा हताश अवस्था है वो बच्चे की होती है जब वो गर्भ में होता है। तो बच्चा जो है यहाँ पर इतना हताश है गर्भ के अंदर, दैट मीन्स सम पीपल आर सो मच इनटू लस्ट, दैट मीन्स वो लस्ट के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाते। यस, पर ऑफकोर्स ये जो यहाँ पर है व्यक्ति, दैट मीन्स द वन हु इज हैविंग लाइटेस्ट कवरिंग कैन बिकम फ्री फ्रॉम लस्ट ईजिली। बट जितना ज़्यादा थिक कवरिंग होती है उतना ज़्यादा लस्ट से निकलना मुश्किल होता है। सो इन दिस वे ये जो यहाँ बताया गया है कि अग्नि धुएं से या दर्पण के ऊपर धूल जमी हो या गर्भाशय में, तो हम जो यहाँ देख रहे हैं दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लस्ट। ऑलराइट, और आगे बढ़ते हैं जी इसमें। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उनके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। तो ये शत्रु कैसा है जी, ये लस्ट वाला जो शत्रु है ये हमारा नित्य शत्रु है। यस, राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग दिस लस्ट इज कंट्रोलिंग द लिविंग एंटिटी, और ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा शत्रु भगवान ने बताया कि हमारा शत्रु बाहर नहीं है जी, हमारा शत्रु हमारे अंदर रहता है, लस्ट। और जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। यस, लस्ट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, मोस्टली नो सेटिस्फैक्शन, दैट लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, which is tamasic, and that leads to fall down in one's character. Okay, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। So इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो सबसे नीचे जो आती है वो है senses, उसके ऊपर है मन और उसके ऊपर है बुद्धि। इसके ऊपर हमारी आइडेंटिटी होती है, विच इज ईगो बेसिकली। सो अगर ये सारे के सारे इस तरह से दे आर द प्लेसेस वेयर द लस्ट इज देयर, तो इंद्रियों को भी अपने भोग की विषय वस्तु चाहिए होती है, मन को भी चाहिए कुछ बढ़िया सोचने को, कुछ बड़ा आनंद लेने के लिए, इंटेलिजेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करता है, सो दैट आई कैन हैव सम काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट। जैसे कुछ लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं लेकिन किसके लिए, फॉर इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट, नॉट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो इंटेलिजेंस की इंद्र तृप्ति है। उस तरह से मन भी है, मन रमता है उनमें, उन चीज़ों में जिससे कि उसको मजा आता है। समटाइम्स पीपल हैव मेंटल फैंटेसीज आल्सो, सो दैट दे कैन एंजॉय मेंटली, ओके। और सेंसेस, इंद्रियां, इंद्रिय विषयों में लगती हैं, सो दैट इज लस्ट इज आल्सो देयर। और ईगो में भी लस्ट होती है। किस प्रकार से, ईगो बेसिकली क्या है, इज आइडेंटिटी। मेरी सेंस ऑफ आइडेंटिटी है दैट आई एम मैन, आई एम अ गर्ल, आई एम अ रोमियो, आई एम जूलियट, आई एम लैला, आई एम मजनू, आइडेंटिटी। And then there is soul actually. So that phase, ये जो ego और intelligence है, they are the fevicol जिसे कि soul जुड़ी हुई है. And that phase हम देखते हैं कि जब तक ये अशुद्ध रहेंगे, इसकी वजह से जो चेतना है, consciousness है, that remains contaminated. Okay, आगे बढ़ते हैं जी. इसलिए हे भरत वंशियों के में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ से ही इंद्रियों के को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ओके, तो ज्ञान का और आत्म साक्षात्कार का, नॉलेज एंड सेल्फ रियलाइजेशन, उनका एनिमी है ये लस्ट। अगर कोई व्यक्ति लस्टी है ना, नॉलेज नहीं ले पाता व्यक्ति, उसको मजा करना है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको त्याग करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तो अरे कहां होने वाला है जी, बिकॉज ही इज लस्टी। सेल्फ रियलाइजेशन, अरे क्या सेल्फ रियलाइजेशन यार, मजा करो यार, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, कम ऑन मैन, लेट्स हैव फन। तो इससे ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य नहीं कर पाता, बिकॉज ही इज ड्रिवन बाय द ग्रेटेस्ट एनिमी। All right, आगे बढ़ते हैं जी। So, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं,
मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। सो इसीलिए हमारी जो आइडेंटिटी है वो सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस के परे है। ओके, जो सेंस ऑब्जेक्ट है तो दे आर ग्रॉस। ओके, हमारी सेंस जो सेंसेस हैं, ये हमारी इंद्रियां हैं जो हम देख पा रहे हैं, जो सूंघते हैं, जो सुनते हैं, जो सूंघ पाते हैं, जो टेस्ट कर पाते हैं, स्किन, ओके, ऑल ऑफ दैट सेंसेस आर देयर। माइंड भी है, माइंड का काम है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, और इंटेलिजेंस का काम है डिस्क्रिमिनेट करना क्या सही है क्या क्या गलत है। ओके, पर लेकिन जो सोल है वो इन सबके परे है। सोल इज बियॉन्ड ऑल ऑफ देम। सोल प्रोवाइड्स कॉन्शियसनेस, जिसकी कॉन्शियसनेस की वजह से इंटेलिजेंस काम कर पाती है, माइंड काम कर पाता है, सेंसेस काम कर पाती हैं। तो बेसिकली सोल इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द सर्किट ऑफ इंटेलिजेंस, टू द सर्किट ऑफ द माइंड और द सर्किट ऑफ द सेंसेस, इसलिए ये काम कर पाते हैं। सो सोल, यानी कि सोल को ये मानते हुए कि इंटेलिजेंस माइंड और सेंसेस के परे है, देन वन कैन एक्चुअली एक्ट राइटली। ओके, नाउ कम्स द लास्ट वर्ड्स। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, ओके, सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, तो सावधान भी है, आध्यात्मिक भी, ये दोनों क्वालिटीज हैं, ऐसी बुद्धि कृष्ण महानामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस दुर्जय शत्रु को जीतो। यानी कि हमें दो चीजें चाहिए यहाँ पर, एक तो हमें चाहिए आध्यात्मिक शक्ति, दैट मींस स्पिरिचुअल पोटेंसी चाहिए हमें, और साथ ही हमें चाहिए सावधान आध्यात्मिक बुद्धि। अभी जो इंटेलिजेंस है, कभी हो आती है सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, व्हेन इंटेलिजेंस इज ड्रिवन बाय साधु, गुरु एंड शास्त्र। सो व्हेन इंटेलिजेंस इज ड्रिवन बाय साधु, गुरु एंड शास्त्र, दैट इज नोन एज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ओके, तो इस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से, जो कि डिवोटीज, स्पिरिचुअल मास्टर और शास्त्र, द स्क्रिप्चर्स, जब इनके अनुसार चलती है, दैट इज नोन एज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो ये होगी, साथ में भगवान का नाम होगा, जिससे हमें मिलेगी आध्यात्मिक शक्ति, मिला स्पिरिचुअल पोटेंसी, देन द पर्सन कैन कॉन्कर लस्ट एक्चुअली, अदरवाइज ये तो बहुत मुश्किल है इसको जीत पाना। सो दैट मींस वी शुड हैव स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस प्लस स्पिरिचुअल पोटेंसी, देन वी कैन कॉन्कर दिस वेरी वेरी पावरफुल एनिमी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरी प्रॉब्लम को एनालाइज भी कर दिया, और प्रॉब्लम के एनालिसिस के बाद फिर उसका सॉल्यूशन भी दिया है। यू नीड टू हैव स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस प्लस स्पिरिचुअल पोटेंसी, देन वी कैन कॉन्कर। यस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? साधु, गुरु, शास्त्र के अनुसार चलने वाली बुद्धि, devotees, the spiritual master, as well as the holy scriptures. So this is the analysis of the lust being done by Lord Shri Krishna in the Bhagavad Gita's last part of the third chapter. Thank you very much. Hare Krishna. All right. So dear listeners, for a systematic course on spirituality, you can register. Yes, the name of the course is Spirituality for Modern Age, SMA. तो इसके लिए आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, www.revivingvalues.com, और वहां पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। पैसा कितना? एब्सोल्युटली फ्री, और हर एक सेशन के साथ होगा एक Q&A, तो सेशन प्लस Q&A पर वीक आपके लिए होगा। सो सेशन होंगे, उसके बाद देन यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस एंड देन वी वुड आंसर देम, और आप उन सेशंस को बाद में भी सुन सकते हैं अगर आप उस वक्त अवेलेबल नहीं हो पाए। That's understood. That's absolutely okay. उसको बाद में भी आप सुन सकते हैं. So please go and register for Spirituality for Modern Age, revivingvalues.com. Registration is absolutely free. Hare Krishna. So see you there.